बिग बी अमिताभ बच्चन आहत होती कोटि कोटि प्रशंसक एवं तांकु भल पाउथबा लोक माने वर्तमान चिंतार रही तबे आश्वस्तिर कथा जे तांकर जो दुर्घटना घटी से बेसी आहत होना तबे हैदराबाद रे प्रोजेक्ट केयर जितेबले सुटिंग चली एक आक्शन सीन रो सेतेबले से आहत होती हैदराबाद रे प्रोजेक्ट ये कथ आपण जानते एक चर्चित सिनेमा रही फाइटिंग सीन सुटिंग चली से आहत होती यदि आहत कथा कह तो तांकर जो पंजरहाड़ रही डाहाण पट पिंजरहाड़ से जो मांसपेशी रही से वर्तमान आघात होती तेज गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ अमिताभ बच्चन यही भाव में दुर्घटनार शिकार होते 80 दशक आपण मान मन थी कुली फिल्म जितेबले से एक आक्शन सीन रही 40 वर्ष पूर्व जितेबले मरुमरु बंची जहाँ से चर्चार विषय पलटी और जिते बड़े आज हैदराबाद में पुणी थे अमिताभ आहत होती समस्ते से ही कथा को मन पकाउं तबे आम भी अतीत को फेरवा कुली सिनेमा समय कौन होता तबे मरुमरु बंची जाइए जो मैंने से ही समय थे निहाती भाव में एक जानते हैं और अन्य पढ़ी थे तेज 40 वर्ष पूर्व 26 जुलाई 1982 में फिल्म कुलीर सुटिंग चली सीन कौन थी आप देखते कि भाव में सेतबाद अमिताभ को जहाँ कहला से ओपुरु पुनीत इशारा सहित एक फाइटिंग दृश्य बेले दुर्घटना घटी पुनीत इशारा सह कलाकार रही थे तेज अमिताभ आंतरिक आघात लगी से मस मस धरी दूरे जाते सिनेमा छू तेबे अमिताभ को ऊपर गोटे टेबुल ऊपरको डेईबार रही था जहाँ सीन रही फाइटिंग सीन रही तलू को डेईबापर आउ टे तलू डेईबार रही से टेबुल ऊपरको तलू को डेईबार रही से आघात होता अवश्य से भावि नथिले जे तली पेटर बाजी जाइला गोटे टेबुल कौन ताते बड़ भयंकर रूप नेब पूरा देश में चर्चा होता मस मस धरी अमिताभ को सिनेमा ठू दूरे नहीं स्पेलिक रप्चर होता जदि आम देखा सी मध्य पंजरा निकट रही था से जनित से आहत सम्मुखीन होते बहुत परिमाण रक्त बहुत मानसिक भाव शारीरिक भाव में अमिताभ भांगी पड़ते जो प्रश्न कराला जे आपण मानकर जो आगामी सिनेमा रिलीज होता चलो उत्तर निराशाजनक रोला जैसे कहते फिल्म टी फ्लप हम सेपटे जो अमिताभ चिकित्सित होते पूजा अर्चना चली दर्शक जो रही फैंस मान रही आशु आरोग्य कामना करते नेता मंत्री आरंभ कर साधारण लोक समस्ते अन बस कि भाव में अमिताभ बच्चन बैक करेंगे 1983 में फिल्म कुली रिलीज है कमाल कर बक्स अफिश्रे वर्ष सबुठ अधिक रोजगार कर सिनेमा होता तो आज आम जाने कुली सिनेमार कि भाव में अमिताभ आहत होते मरुमरु बंची हैदराबाद रे प्रोजेक्ट के बेले से आहत होती आम खूब शीघ्र आशु आरोग्य कामना करूँ।